खुद को उड़ाने की धमकी दे रहा था यह पाकिस्तानी आतंकी, और उसने यह भी कहा कि अमेरिका में कई जगह पर उसने बम प्लांट कर रखे हैं और वो उनको उड़ा देगा। उसने कहा कि मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो उड़ा दूंगा, यह कहा पाकिस्तानी आतंकी ने। तो मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो उड़ा दूंगा, कई जगह पर जो मैंने बम लगा रखे उनको, यह कहा पाकिस्तानी आतंकी ने। खुद को उड़ाने की धमकी देता रहा पाकिस्तानी आतंकी। तो सुनिए, वो साफ कह रहा है कि मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो मैं उड़ा दूंगा कई जगहों पर, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे दोष मत देना। तो साफ है कि आतंकी आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए इतना सब उसने किया। आपको बताते हैं इस बारे में और क्या जानकारी है। आफिया ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी की संस्थान में पढ़ाई की उसने, और इसके वजह से कि काशोर आपको बता रहे थे, ब्रैंडी से न्यूरो साइंस में पीएचडी आफिया जानी मानी वैज्ञानिक हैं। आफिया के पास सोडियम साइनाइड केमिकल बम का फॉर्मूला था, और इसके अलावा उसके पास इबोला वायरस से विध्वंसक हथियार बनाने का भी फॉर्मूला है। बम बनाने के खतरनाक फॉर्मूलों के साथ आफिया पकड़ी गई, और आफिया कितनी खतरनाक है आप इसी से समझ सकते हैं, जो इस वक्त अमेरिका की जेल में कैद है। और सवाल यह है कासवर, जैसा कि मैंने आपको बीच में रोका था, फिर से आप ही के पास आता हूं। अच्छा, कासवर से संपर्क कुछ कटा है, उनके पास जाएंगे। लेकिन रोहित, एजेंसीज क्या कह रही हैं, वो जो आतंकी जिसको मार गिराया गया उसके बारे में क्या जानकारी दे रही हैं? क्योंकि पहले ही कहा गया कि वो आफिया का भाई है, लेकिन ये अब जानकारी आई कि आफिया के भाई ने खुद इसका खंडन कर दिया और कह रहे हैं कि एजेंसीज को फोन कर करके कि मैं वो नहीं हूं। गौरव, अभी से कुछ 15 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफबीआई ने साफ किया कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। वो डिसीज्ड को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, वो ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है उससे मिलती जुलती ही जांच जो है चल रही है। और ये बाहर आई इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए जी, कि किस तरह से उसका जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ मोटिव था कि वो आफिया को छुड़ाना चाहता था उसको, लेकिन एफबीआई ने ये इन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा ये एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन है। ग्लोबल जब एफबीआई इसे कह रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह के संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी ये एक एक्टिव लोकेशन है, यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड काम कर रहा है सिनेगॉग पे। अभी वहां से सब लोग जा चुके हैं, चार होस्टेस जा चुके हैं, जो आतंकी है वो ढेर हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां पे बॉम्ब स्क्वाड काम कर रहा है। तो आई थिंक एफबीआई एक बहुत कॉशियस अप्रोच लेने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें उन्होंने साफ ये जाहिर किया कि एक वन एजेंडा था इस आदमी का, जो हमने सुना, जो आपने सुनाया। ठीक है, काश्वर आ चुके हैं, काश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं। काश्वर, बीच में रोक दिया था आपको, लेकिन जैसा कि रोहित हमारे वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता साफ कह रहे हैं कि भाई वहां पर साफ कहा गया एजेंसीज की तरफ से कि जो बाहर से जानकारियां आई हैं वो मिलती जुलती जानकारियां हैं, यानी वो आफिया सिद्दीकी को तो छुड़ाना चाह रहा था, पाकिस्तान से आफिया सिद्दीकी का कनेक्शन है, वो अपने आप को भाई बता रहा था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक तो जुड़ रहा है काश्वर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पाकिस्तान का कनेक्शन उनके साथ है, लेकिन जो एक मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो पाकिस्तानी है, मेरा जो आपके साथ एक सरकार की वजह है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में ये चीज समझते हैं कि इसको एक्सपोज किया गया उसकी फैमिली से मैं क्रॉसिंग है, जितना मेरा एक भाई वहां पे चला जाता है अमरीका में, अमेरिकन नेशनलिटी ले जाता है, तो मेरा ताल्लुक तो है उसके साथ, बट ही इज अमेरिकन। अच्छा, वो पाकिस्तानी नहीं है काश्वर, ठीक है आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन 2018 में पाकिस्तान की संसद में आफिया को डॉक्टर ऑफ द नेशन का खिताब तो दिया गया था, नहीं दिया गया था पाकिस्तान की संसद में दिया गया था? पाकिस्तान में उसको बहुत एक्सपोज किया गया, यहाँ पे इमरान खान की पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या जो भी हो, उन्होंने इसका नाम इस्तेमाल किया जब वो टाइम के लिए, ये जितने भी बड़ी पॉलिटिकल कंपेयर होती रही है उनमें सबसे बड़े वादे जो थे उनमें तो आप सिद्दीकी को वापस ले आएंगे।
पाकिस्तानी जज्बाती कौन है और भारत जो उनको उनके रिवॉर्ड दे देते हैं उनको। तब तो ये कहिए ना काश्वर कि इस सरकार ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एम्बेरस किया, इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एम्बेरस किया क्योंकि एक टेररिस्ट को उन्होंने डॉटर ऑफ द नेशन का खिताब दिया और उसके नाम पर वोट मांगने की कोशिश की और आज उसी के नाम पर एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेल रहा है। डॉक्टर ब्रिगेडियर दत्ता गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आ रहा हूं काश्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आता हूं, आपको बोलने का मौका मिलेगा, एक मिनट रुकिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी डॉक्टर ब्रिगेडियर दत्ता। हाँ गौरव आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए मूलतः वो पाकिस्तानी है चाहे उन्होंने सिटीजनशिप अमेरिका की ले ली हो, और जिस तरह से यो हमलावर है, जिसने जिस तरह से उन्होंने लोगों को बंधक बना रखा है और जिस तरह की उसने मांगे रखी हैं, वो साफ जाहिर करता है कि उसके लिंक ऐसी तंजीमों से हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पाकिस्तान में किस तरह के आतंकवादी या जिहादीज हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में आप देखिए लैपटॉप जिहादीज हैं, आपके यहाँ लिबरल फासिस्ट हैं, आपके यहाँ फेयर वेदर रिवोल्यूशनरीज हैं, आपके यहाँ बलूची फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ये सब जो आजकल वो जो प्रारूप है, जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है टेररिज्म का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसा आपने बताया आफिया के बारे में, वो MIT से ग्रेजुएट है, वो एक साइंसदान रही हैं, वो खुद एक पढ़ी लिखी वो रही हैं। तो आजकल इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन और देखिए एक क्या होता है कि आपके हाथ में एक गन है, या तो आप किसी की जान बचा सकते हैं या किसी की जान ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इतना पढ़ा लिखा शख्स अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए या इंसानियत की कौम की भलाई के लिए काम करता तो शायद आज पाकिस्तान का उसी वजह से बहुत नाम हो रहा होता, और शायद तब पाकिस्तान, जैसे काश्वर कह रहे हैं कि वो अमेरिकन नागरिक है, पाकिस्तानी अपना लिंक जोड़ते और कहते नहीं ये पाकिस्तान में पैदा हुई। क्यों काश्वर, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान में तो बड़ी ये आवाजें हैं, वो इनसे अपना लिंक जो है, और मैं उनसे लिंक नहीं करना चाहता, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं समझता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।